हेलो खमागणी टू ऑल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा भाई साथ फैमिली में। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज मेहमान आए हैं, और कौन आए हैं वो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। और आज जब से मैं सोकर उठी हूँ मेरे इस कंधे में बहुत पेन है, पता ही नहीं क्या हो गया, मतलब इसे ऊपर ही नहीं उठाया जा रहा, इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो देखेंगे अगर कल तक ठीक हो जाता है तो, वरना फिर मुझे लगता है ऐसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है। मम्मी बोल रही है कि ना ऐसे, मतलब कभी कभी जब हमारा हाथ ऐसे नीचे रख जाता है ना सर के, और हम एक ही साइड लेकर सोते रहते हैं, तो उससे भी हमारे नस वस जो है दब जाती है, उससे भी थोड़ा पेन हो जाता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वही होगा, और तो कुछ किया नहीं मैंने, वजन भार तो कुछ उठाया नहीं, पता नहीं पर कैसे हो रहा है। तो आगे देखते हैं अगर ठीक होता है या फिर नहीं होता है। वैसे मालिश वगैरह की थी मैंने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब ऐसे ऊपर नहीं हो रहा, वैसे कुछ नहीं दर्द हो रहा, बस ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही मैं हाथ को, ऐसे आगे पीछे करने से दर्द हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ किचन में आम रस पीने के लिए, क्योंकि मैंने पिया नहीं था उस टाइम में ना, मैंने रोटी खा ली थी ना तो मेरा पेट भर गया था, जगह ही नहीं थी पेट में, तो अभी पीने के लिए आई हूँ रसोई में, उसके बाद मैं सोने के लिए जाऊँगी। और इसमें दूध जाता है इसलिए थोड़ा वाइट लग रहा है, क्योंकि आम हम लोग कम डालते हैं, और जो मतलब दूध ज़्यादा डालते हैं, एक आम डालते हैं बस, सारे सबके लिए बना लेते हैं उसी में, क्योंकि फिर बहुत गाढ़ा हो जाता है दो आम डालने से, ये हम एक ही आम डालते हैं। और किचन में जो है मक्खी मक्खी है, जो मोटी वाली मक्खी नहीं आती वो है, ये हमारी जमीन जो बहुत सारी लगी हुई है, तो आ जाती है कभी भी घर में, मेरी तरफ आ रही है, लाइट ऑन करते ही आ जाती है। तो मैं जूस पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी, और सुबह आने वाली है मेरी मम्मी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो सुबह वो आएंगे, 5 बजे पहुँच जाएंगे, तब मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी, और कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मम्मी आ रही है तो हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए सो जाते हैं, और जूस पी के मैं सो जाऊंगी। ओके गुड नाइट, फिर मॉर्निंग में मिलेंगे आप सबसे। हाँ जी, और मम्मी और आए दिखाते हैं। आई नहीं अभी, मैडम ने पहले ही फ़ोन कर दिया, बताओ अब आएगी। लिफ्ट आ गई है देखिए ऊपर, और अभी 5 बजे हैं मॉर्निंग के, 5 o'clock में लिफ्ट ऊपर आ रही है, और मम्मी आ रही है, और मम्मी के साथ हमारा गोलगप्पा भी आ रहा है। फैमिली में स्वागत है आपका। और रात को बोल रही थी कि ना तुम फूलों की थाली वाली लेके, और इसने कोई स्वागत नहीं किया, कर तो दिया, वीडियो बना लिया। तो ये लोग सबसे पहले नहाएंगे, क्योंकि ट्रेवल करके आए हैं। तो अब हमारी मोटी नहा ली है, इसीलिए हम इसको हग करेंगे। आई मिस यू मम्मी से। मम्मी भी नहा ली है। ये है मेरी मम्मी, पहले मिल ही चुके हो वैसे तो आप लोग। सुशीला आंटी वगैरह के जाने के बाद है ना, हमारे फ्रेंड्स भी आ गए थे पास में। हाँ बढ़िया, फिर तो फिर वो बोल रहे थे हर संडे हम आते हैं। अच्छा 6 o'clock पर हम खेल रहे हैं। थोड़ा सोचिए, पर मम्मी देख ढलक जाओ, देख मारा देख छिकनी है चामड़ी, छिक जाओ तो नीचे जा जा, अभी काट तो फिर मोटो भी तो है ना, वीडियो चला नाक छोटे ऐसे। और भी ओ मुझे सैटरडे संडे बंद नहीं रहता अब, पता नहीं सैटरडे और संडे क्या होता है, वीकेंड और होता है, यू नो ना।
यहाँ से दिला रहे हैं, यहाँ से दिला रहे हैं, यहाँ खुलते नहीं है। सैटरडे संडे और मंडे को मेरा गिफ्ट ये मम्मा को दो या मम्मा के लिए, मम्मा ये आपके लिए क्या लाइए मैडम? पूनम हमारे लिए कुछ लाइए। ये अर्शु का है, ओके ये अर्शु को लेगा गिफ्ट लाइए। तो देखते हैं क्या है। परु क्या निकलेगा गैस करो। पता नहीं कॉल के देखो, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। एक वॉच है बस, पहले वाली तो पहनी नहीं तूने, लाइट वाली। ये देखो हील वाली, हील वाली सैंडल आ गई मेरी, हील वाली सैंडल। कौन लाया है? माफी। वाओ ये तो बड़ी सुंदर है परी। थोड़ी सी छोटी रह गई, रख दो वापस दे देंगे। परी छोटी है, चेंज करवा दे मैं। छोटी बेटे ही तो बड़ी आ जाएगी, थोड़ी आ जाएगी, थोड़ी सी छोटी। अच्छी है, दो अंगुल छोटी है थोड़ी सी। तो बड्डू लिया थी तन, क्यों इन बड्डू लिए? अरे यार बड्डू लिया मैं, कुछ याद नहीं। आज तो गिफ्ट खोल रही हूं, छोटी रह गई अभी। देख से दो साइज बड्डू लिया जी अपना, ब्याह में पहन के गए। हां सेम लिया जी। छे ये अर्शु के लिए, ये कैप भी है अच्छी है। ओ वाओ ये कैप है हमारी अर्शु के लिए। नानी लाई है, मासी लाई है मेरे लिए, नानी लाई मेरे लिए, मासी लाई है अर्शु के लिए। तो नानी लाई है। मस्त है ना, बहुत सारे शेड है इसमें। मिरर भी लगा हुआ है जिसमें आपको मेरी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं भी नहाई तो ही नहीं होती, गंदी लगी मेरे को। क्या देख रहे हैं है? तो आज पूजा पूनम करेगी क्योंकि हमारी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है। तो जब तक उनके मतलब बारवा वगैरह नहीं हो जाता तब तक हम लोग मंदिर में हाथ वगैरह नहीं लगा सकते हैं। इतने दिन योगेश कर रहा था लेकिन अब पूनम आ गई है तो पूनम से मैं पूजा करवा रही हूँ। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा आजा मनु।
पट्टी बुन के लंदन की चुड़ैल हेलो हमारा मास्क नीचे बाबू हटना आते चल रुक जाओ बेटा वो गिर जाएगा एक बार पीछे जाओ आते चल एक बार पीछे जाओ बेटा एक बार खड़े जाओ वो गिर जाएगा फिर वो गिर जाएगा ना इन टाले मिनट का स्लाइडिंग करो अर्शु ये रही नानी इधर कहाँ है नानी मम्मा जाओगे बेटा ऐसे तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे और फिर हाजिर होंगे आपके सामने न्यू ब्लॉग के साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट चलो आज के लिए बाय बाय टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ